श्री राज रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारवत्कणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मैं हूँ अधम आधीन असरण मोहे शरण में लीजिए। मेरे पाप बोझों से लदी मेरी नैया भमर में आ रही। हे नाथ दौड़ो और बचा लो नहीं तो डूबी जा रही। हे नाथ दौड़ो और बचा लो नहीं तो डूबी जा रही। पकड़ लो नाब गिरधारी पकड़ लो नाब गिरधारी नहीं तो ये डूब जाएगी। पकड़ लो नाब गिरधारी नहीं तो ये डूब जाएगी। पकड़ लो नाव गिरधारी नहीं तो ये डूब जाएगी। तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा हमारी जान जाएगी। तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा हमारी प्यारी जान जाएगी। भला हूँ मैं बुरा हूँ मैं मगर हूँ आपका स्वामी। भला हूँ मैं बुरा हूँ मैं मगर हूँ आपका प्यारे। दौड़ कर नाब को पकड़ो नहीं तो ये डूब जाएगी। दौड़ कर नाब को पकड़ो नहीं तो प्यारे डूब जाएगी। पकड़ लो नाब गिरधारी नहीं तो ये डूब जाएगी। तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा हमारी जान जाएगी। तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा
हमारी प्यारी जान जाएगी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। तो मेरे भगवत प्रेमियों, ये नौ दिवसीय राम कथा का छठवें दिन की कथा हम और आप सुन रहे थे। बड़ा ही आनंद का कथा चल रही। तो मेरे भगवत प्रेमियों, यह मानस के माध्यम से और भगवान श्री राम की मानव लीला के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि गृहस्थ परिवार में कहीं भी अगर एक उलझन आ जाती है तो पूरे गृहस्थ का चयन खत्म हो जाता है। वो ही मेरे भगवत प्रेमियों आज यहां हो रहा है। राम जी को बन जाने का वरदान प्राप्त हुआ। अब ये सुनकर के लक्ष्मण जी ने भी यही ठानी कि प्रभु आप मुझे सेवा से वंचित ना करें, मुझे भी साथ ले लें। राम जी ने तुरंत कह दिया कि बात तो ठीक है, लेकिन आप पहले माता से आज्ञा लेकर के आओ। आज लक्ष्मण जी माता से आज्ञा ली है और माता ने अपने पुत्र को, जो माता का धर्म होता है पुत्र को समझाने का, वो बताया कि बेटा सेवा अगर करनी हो किसी को तो तन मन से करनी चाहिए, क्योंकि तन से सेवा करोगे मन लगा के तो सारी विविधाएं कट जाएंगी मेरे भगवत प्रेमियों। तो कहने का आशय है कि कदापि भी अपने ग्रस्त जीवन में रह करके किसी भी सदस्य से ऐसे उलझनों की बातें, उलझनों का कार्य, उलझनों की लीला ना करें जिससे कि हमारे ग्रस्त जीवन में फलती फूली उस धारा में कोई विघ्न आ जाए। आज ही राम जी के जीवन में लीला के माध्यम से विघ्न आया पड़ा है। इधर महाराज दशरथ पड़े हैं कोप भवन में और कैकेयी अपने वचनों पर है। राम जी वन की तैयारी के लिए प्लान बना रहे हैं। माता ने लक्ष्मण को समझाया, बेटा आज तक तू हमारा पुत्र था, लेकिन आज के बाद तेरे पिता राम हैं और माता तेरी जानकी। और हां बेटा एक बात और ध्यान रखना, यहां से सेवा में जाने के बाद कोई कमी सेवा में ना आ जाए। राम की सेवा तन और मन से करना, सेवा तन और मन से करना, मन लगा के करना बेटा, क्योंकि ऐसा अगर नहीं करेगा तो तेरी माता जो है ना बदनाम हो जाएगी। इसलिए सेवा मन लगा के कर। और एक बात और सुंदर कही कि एक काम और करना मेरे लक्ष्मण, तू हमें कदापि भी सपने में भी याद मत करना, क्योंकि स्वप्न आएगा तो सेवा कट जाएगी। लक्ष्मण जी बड़े विचार में पड़ गए, क्या किया जाए, मां के वचनों का पालन कैसे हो। उन्होंने प्रभु के श्री चरणों में ध्यान लगाया और मति सुमति हुई तो उनके दिमाग में बात आई, बोले काम करते हैं, माता के वचनों को सही रखने के लिए मैं आज और अभी इसी वक्त संकल्प लेता हूं कि मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं, जिसे ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि सोऊंगा तो स्वप्न तो निश्चित आएंगे और स्वप्न निश्चित आएंगे तो सेवा टूट जाएगी, मां का कहना है और माता के वचनों का पालन ठीक इसी प्रकार से हो सकता है। ये लक्ष्मण जी ने अपने मन ही मन में संकल्प लेकर के मेरे भगवत प्रेमी उत्तय कर लिया।
बोलिए लखनलाल की जय। लेकिन महाराज चिंता सबको है, कितना आनंद अवध में हो रहा था, कितना महाराज दशरथ के अंगना में आनंद हो रहा था, वो कथा के माध्यम से आपने सुना है। लेकिन आज कुछ ही क्षणों में सब गड़बड़ा गया, सब बेकार हो गया वो आनंद। तो महाराज ऐसा लेख है, प्रभु की ऐसी रचना है, मिलता है जी फिर बिछुड़ जाता है, फिर मिलता है फिर बिछुड़ जाता है। कहा है, मन की भी भावना है कि एक दिन मिल के बिछुड़ जाए, एक दिन मिल के बिछुड़ जाए, एक दिन कैसी है जग की रीत रे, आजा तुझको पुकारे प्रभु गीत रे, मेरे मीत रे, ओ मेरे मितवा, मेरे मीत रे, आजा तुझको पुकारे प्रभु गीत रे, मेरे मीत रे, ओ मेरे मितवा। मेरे भगवत प्रेमियों, संसार में प्रभु के माध्यम से उनकी कृपा से हम और आप रिश्तों के बंधन में कई बार मिलते हैं और फिर कई बार बिछुड़ जाते हैं। ये भगवान की बनाई हुई नियम रीति है। इस विचार को अगर मानव थोड़ा विचार करके सोचेगा तो मोह के फंदा से थोड़ा थोड़ा बच जाएगा। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, कदापि भी अपने इस जीवन में ऐसा कोई कार्य न हो जिससे हमारे सुख संसार रूपी घर में व्याधियों का कोई पेड़ खड़ा हो और वो हमें परेशान कर दे। तो आइए महाराज इसी कथा पे आगे चलते हैं। अब इधर में क्या चल रहा है कि दशरथ जी वहां बड़े व्याकुल हैं और राम जी की तैयारियां हो रही हैं वनगमन बन जाने के लिए। तो महाराज जब ये तय हो गया तो दशरथ जी ने सुमंत को बुलाया और सुमंत से कहा कि हे सुमंत, तुम रथ ले जाना और मेरे द्वारा जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना कि मात्र 14 घंटे घुमाकर के वन में और मेरे राम को वापस ले आ। वो सुन रहे हैं, चुप हैं। दशरथ जी कह रहे हैं कि राम न आए सुमंत तो एक काम करना, मेरी सीता जी को जरूर ले आना। अब महाराज क्या हो रहा है, वन की सारी तैयारियां हो चुकी और जब जाने के लिए ये सुना महाराज दशरथ ने तो मोह के कारण वो विकल होकर के रोने लगे, अपने पुत्र भी हो। और वो क्या कह रहे हैं कि मोहे छोड़ चले रे, आज मोहे छोड़ चले रे, हो लक्ष्मण राम आज मोहे छोड़ चले।
अरे छोड़ चले रे आज मुई, छोड़ चले रे हो लक्ष्मण राम, आज मुई छोड़ चले मेरे प्राण निकल के जाई रहे। ये राम राम चिल्लाई रहे, मेरे प्राण निकल के जाई रहे, और राम राम चिल्लाई रहे, मेरे हृदय को बिलखाई रहे। मन तोड़ चले रे हो लक्ष्मण राम, आज मोहे छोड़ चले, अरे छोड़ चले रे हो लक्ष्मण राम, आज मोहे छोड़ चले। और कहते हैं दशरथ, कोई तो मेरी सुन लेना, और मेरे राम से जाकर कह देना, कोई तो मेरी सुन लेना, मेरे राम से जाकर कह देना, मन तोड़ चले रे हो लक्ष्मण राम, आज मोहे छोड़ चले, अरे छोड़ चले रे हो लक्ष्मण राम, आज मोहे छोड़ चले। वैसे तो सब मोहे प्यारे हैं, महाराज कहते हैं रो रो करके विलाप कर रहे हैं कि वैसे तो चारों पुत्र मुझे प्राणों से प्रिय है, कि वैसे तो सब मोहे प्यारे हैं, पर राम प्राणन आंखों के तारे हैं, अरे नैनन की आंख के तारे हैं, मुख मोड़ चले रे हो लक्ष्मण राम, आज मोहे छोड़ चले, छोड़ चले रे हो लक्ष्मण राम, आज मोहे छोड़ चले। हे राम हे राम हे राम, इतना कहते ही महाराज दशरथ अपने शरीर की सुध बुध खो करके और फिर बेहोश अवस्था में धरणी पर गिर पड़े। तो मेरे भगवत प्रेमियों, बाबा कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। इस संसार में हमारे आपके लिए जो माया रूपी मोह बना दिया है मेरे भगवत प्रेमियों, इस सकल व्याधियों का बीज है, जड़ है, और इसको हम और आप पार नहीं कर पाते। क्यों? कि प्रभु ने तो स्पष्ट कहा है कि हे मानव, तेरे द्वारा ये मोह शोभा नहीं देता, तुझे मोह नहीं करना चाहिए। पूछा गया तो महाराज फिर क्या करें, मजबूरी है हमारी। बोले वो तो ठीक ही है, लेकिन अगर हमारी बात मानो तो मोह के बदले में प्रेम करना सीखो, प्रेम करने की आदत डालो, प्यार करो। क्यों? कि मोह हमें रुलाता है। मोह क्या करता है? हमें रुलाता है। और प्यार हमारे जीवन में गुलशन की तरह फुलवारियां खिलाता है। इसलिए ही मानव मोह का त्याग कर करके प्रेम करना चाहिए। ये पहले दिन से ही संदर्भ चला रहा है मेरे भगवत प्रेमियों, समझने की बात है।
जो भी कुछ संसार का मूल तत्व है वो है प्यार, और प्रेम ही मूल तत्व है जीवन का। इसलिए ये कदापि न भूलें और हम अपने जीवन में आदत डालें कि सभी से हमारे द्वारा प्रेम हो और हम प्रेम करते रहे। बस सारा भजन तो इसी में हो जाता है मेरे भगवत प्रेमी है। ये आदत डल गई तो समझ लो आप लोग हम लोग सब सिद्ध हो गए और सभी कार्य हमारे बड़े आदर पूर्वक संपन्न होंगे, आनंद की वर्षा होगा। तो आइए भगवत प्रेमियों, कथा को आगे लेकर के चलते। महाराज दशरथ बड़े ही मोह में व्याकुल हैं और विलाप कर रहे हैं कि आज मेरी तरफ भी न देख करके और मुझे छोड़ करके मेरे पुत्र जा रहे हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, पुत्र वियोग होता तो बड़ा विशाल है, लेकिन ज्ञान की तलवार से काट करके उसे सहना पड़ता है। अब इधर में महाराज राम जी की पूरी तैयारी हो गई, वन गमन जारी। अब जैसे ही अयोध्या वासियों ने यानी पुरवासियों ने सुना कि राम जी जा रहे हैं वन को, सभी अपने अपने घर को त्याग करके और निकल करके सब एक साथ चल दिए। राम जी ने देखा और पूछा, बोले ये क्या हो रहा है भाई? सभी की आंखों में आंसू हैं मेरे भगवत प्रेमियों, पूरी अवध रो रही है। और वो कहते हैं कि प्रभु यह रहकर के हम क्या करेंगे? अरे जहां राम तहां अवध निवास, जहां राम तहां अवध निवासु, जहां हमारे राम है ना वही तो अयोध्या है, वही तो अवध है। आज तुम चले जाओगे तो यह रहने का मतलब क्या होगा? या रहने से कोई आनंद नहीं, इसलिए प्रभु आप हमें रोकिए टोकिएगा नहीं, आप हम पे कृपा भरी दृष्टि बरसाइएगा, आप कृपा कीजिएगा कि जहां आप रहेंगे वहीं हम रहेंगे। इस अवध में अब हमारा बिल्कुल भी रहने का मन नहीं बनता महाराज, क्योंकि अयोध्या में अगर राम नहीं है तो कुछ भी नहीं, क्योंकि बड़ा शोध करके शब्दों का उल्टफेर किया है मेरे भगवत प्रेमियों। ध्यान देने की बात है, अयोध्या से राम नहीं है, अयोध्या से राम नहीं है, राम से अयोध्या है, राम से ही अयोध्या है। अब महाराज श्री राम जी गुरुदेव को प्रणाम कर गौरी गणपति का पूजन करके वन को चलने के लिए तैयार है। सारे अयोध्यावासी अब साथ चल दिए, अब साथ चल दिए तो महाराज राम जी ने पुनः निवेदन किया, आप ऐसा मत करिए, आप यहां अयोध्या में ही रहिए। कुछ ही समय की तो बात है, मैं बातों बातों में ये 14 वर्ष का वनवास काट करके फिर अयोध्या ही तो आऊंगा, आपके पास महल मिल करके रहूंगा। लेकिन सभी पुरवासी के नेत्रों में आंसू हैं और वो रो रो करके भगवान श्री राम से निवेदन करते हैं कि प्रभु आप हमें इस प्रकार से छुटकारा मत दिलाइए। और एक ही स्वर एक ही आवाज में अपने मन की भावना को राम जी से कहते हैं अयोध्यावासी, किमती जाओ राम बन को याद बहुत आएगी, मती जाओ राम बन को तेरी याद बहुत आएगी, मती जाओ राम बन को याद बहुत आएगी, याद बहुत आएगी प्रभु याद बहुत आएगी, तेरे बिना सारी अयोध्या, तेरे बिना सारी
अयोध्या रो रो मर जाएगी, तेरे बिना सारी अयोध्या प्रभु रो रो मर जाएगी। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम प्रभु राम। मती जाओ राम बन को याद बहुत आएगी। और कहते हैं पुरवासी कि बन को जो जाना था तो प्रीति क्यों बढ़ाई थी, प्रीति क्यों बढ़ाई तुमने, अवध क्यों रुलाई थी। बन को जो जाना था तो प्रीति क्यों बढ़ाई थी, प्रीति क्यों बढ़ाई पूरी, अवध क्यों रुलाई थी। सच मानो राम जिंदा, सच मानो राम अयोध्या जिंदा न रह पाएगी, तेरे बिना हारी अयोध्या रो रो मर जाएगी। राम राम सिया राम, राम राम मेरे राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। मेरे भगवत प्रेमियों, पूरी अयोध्या बाहर निकल पड़ी और एक साथ सभी रोकर के प्रभु राम से निवेदन करते हैं, राम जहां राम तहां अवध निवास, जहां आप हैं वहीं हम रहेंगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप अगर हमारी बात माने तो ये अयोध्या छोड़कर ना जाना, तो हम भी ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे, अन्यथा तो आप जहां चलेंगे वहीं हम तुम्हारे साथ चलेंगे। मेरे भगवत प्रेमियों, मेरे राघव का नाम बड़ा सरल है, राम। वो किसी को कष्ट नहीं देना चाहता, विचार करने लगे तो उन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला। अब महाराज वनवास के लिए चल दिया, इधर में अयोध्या वासी भी साथ साथ चल दिए, प्रभु राम ने उनको नहीं रोका। अब महाराज पहले दिन की जो यात्रा हुई वो यात्रा तमसा नदी के किनारे पर जाकर के ठहरे। राम जी के वनवास की जो पहले दिन की यात्रा थी वो तमसा नदी के किनारे पर पहुंचे। अब प्रभु ने सोचा कि इसी तरह अगर अयोध्यावासी साथ चलते रहे तो सब वन का जो मेरा कार्य है, जो फिल्म है, वो बिगड़ जाएगा। अब तो महाराज यहां प्रभु ने अपनी माया से सबको आदेश दिया कि आज की रात यहीं ठहर गए। महाराज सभी वहां ठहर गए तमसा नदी के किनारे, और प्रभु ने मौका पाकर के अपनी माया से सबको सुला दिया। और जैसे ही रात्रि के 12 बजे यानी मध्य रात्रि हुई तो तत्काल चल दिया, सबको सोता छोड़ा। और जाते जाते अपने सारे चिन्ह भी मिटा दिया। अब महाराज दूसरे दिन के तीसरे पहर में वो श्रृंगवेरपुर पहुंचे, गंगा किनारे यानी गंगा तट। बाबा कहते हैं कि ये सुध गुरु निषाद तब पाई, ये सुध गुह
निषाद जब पाई मुदित लिए सब बंधु बुलाई ये सुध गुहा लिए फल मूलो पेट भर भाजा लिए फल मूल पेट भर भारा मिलन चले ही है हरस अपारा कहे बन्ना तब ही ये धर लागे प्रभु ही मिलो कते अति अनुरागे कहे बंदव तब मेरी भगवत प्रेमी जैसे ही श्रृंगवेरपुर में गंगा किनारे प्रभु राम पहुंचे तो वह निषाद राज को यह सब सूचना मिल गई। अब तो महाराज निषाद राज अपने पूरे कुटुंबी परिवारी ग्रामवासियों को लेकर के और अपने हाथों में उपहार लेकर के आए तो प्रभु ने निषाद राज से कहा कि निषाद एक नियम है मेरा, मैं किसी नगर या गांव में मेरा रहना वर्जित है, इसलिए आप आग्रह ना करें मुझे ले जाने की और कोई उपहार भी। ऐसा कहकर प्रभु ने निषाद को समझाया। निषाद के मन को बड़ा दुख हुआ और वो बारंबार निवेदन करने लगे कि आप ऐसा मत कीजिए, हमारे उपहार को तो स्वीकार करो ना प्रभु। तो राम जी समझाते हैं, निषाद नहीं, मैं किसी का उपहार नहीं ले सकता, हाँ एक उपहार तुम्हें मैं दे जरूर सकता हूं। निषाद जी बोले क्या? मैं आज से तुम्हें अपना मित्र बना रहा हूं। और मेरी भगवत प्रेमियों, प्रभु राम ने निषाद राज को अपना मित्र बना दिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, कैसे दयालु है राम। वहीं महाराज पीपल के वृक्ष के नीचे और कुशासन बिछा करके प्रभु बैठ गए। अब निषाद बोला देखो सभी सावधान रहना, उनके जितने भी कर्मचारी थे निषाद जी के, निषाद राजा ही ना अपने क्षेत्र के, तो सभी को समझा रहे हैं कि देखो सभी सावधान रहना। कैसे महाराज? कहीं पीछे से भी छुप करके आए हैं रात्रि में, कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु हमें भी सोता छोड़ करके चले जाए, एकदम सावधान। सबको समझा दिया। अब इधर में महाराज समझा करके जैसे ही सब अपने अपनी जगहों पर आराम करने लगे तो इधर निषाद राज जो है केकई को बुला भरा कहने लगे, अच्छा नहीं किया केकई। ऐसे सब शब्दों से वो बतिया रहे। अब इन बातों को लक्ष्मण ने सुना और सुनते ही लक्ष्मण ने निषाद को बुलाया और बड़ी प्यार भाषा में कहा कि हे निषाद, आप हमारी माता की, आप हमारी माता को क्यों बुरा भला कह रहे हो? निषाद चुप हो। लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद आप नहीं जानते, देखो हमारे संबंध कब खत्म हो जाते हैं मेरे भगवत प्रेमियों। एक उदाहरण है, जब हम अपनों की बुराई तीसरे से सुनना शुरू कर देते हैं ना तो हमारे आपस की दूरी कम हो जाती है, हमारे संबंध खत्म हो जाते हैं। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, चाहे परिवार में झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, बातें करना बंद हो जाए, लेकिन तीसरे आदमी से अपने परिवार के सदस्य की बुराई कदापि ना सुनना। ऐसी अगर आदत डालोगे तो मेरे भगवत प्रेमियों धीरे धीरे आपस के जो संबंध हैं वो खत्म हो जाते हैं।
यही लक्ष्मण जी ने निसार को समझाया कि निसार हमारी माता के बारे में आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। निसार जी चुप सुन रहे हैं और लक्ष्मण जी ने निसार को बताया कि हे निसार को ना काओ सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता को ना काओ सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता निज कृति कर्म। हे निसार कोई किसी को सुख या दुख देने वाला नहीं है क्योंकि ये तो कर्म है। निसार कोई किसी को न सुख दे सकता न दुख दे सकता, ये केवल हमारे और आपके सोचने का ढंग है। और कहते हैं कि मोह मूल परमारत नाही देखे सुने सुनिए मन माही मोह मूल। ये क्या है? मूल है, इसलिए इससे बचना चाहिए। हे निषाद ये मूल है, मोह जो है बीज है, इसे बचना चाहिए। और कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला मोह सकल। हे निषाद आप विचार करके देखिए इस मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं और सपना देख रहे हैं। और हे निसार सपना कभी सही नहीं होता, किसी से आशा लगाना भी सपना ही है, इसलिए जागो और सावधान रहो। क्यों? कि प्रभु बड़े ही आनंद के साधन हैं। और कहते हैं कि किस धुन में बैठा है बावरे तू किस मद में मस्ताना है सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है किस धुन में बैठा है बावरे तू किस धुन में बैठा है बावरे और किस मद में मस्ताना है सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। क्या लेकर आया था जग में फिर क्या लेकर जाएगा क्या लेकर आया था जग में क्या लेकर के जाएगा मुट्ठी बांधे आया जग में मुट्ठी बांधे आया जग में फिर हाथ पसारे जाना है सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है किस धुन में बैठा है बावरे तू किस मद में मस्ताना है सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है कोई आज गया कोई कल गया
कोई चंद रोज में जाना है। ये निशान कोई नहीं रहेगा यहां इस पृथ्वी पर, आवागमन बना हुआ है सबको, एक ना एक जाना ही। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाना है। अरे जिस घर से वो निकला पंछी, जिस घर से वो निकला पंछी, फिर घर में नहीं आना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा है बाबरे तू, किस मद में मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सुत मात पिता बांधव नारी, धन धाम यहीं रह जाना है। सुत मात पिता बांधव नारी, धन धाम यहीं रह जाना है। ये चंद रोज की यारी है फिर अपना कौन ठिकाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। इस संसार में मेरे भगवत प्रेमियों, कितनी ही बार सत्संगों के माध्यम से बताया जाता है कि कुछ भी नहीं है, केवल स्वप्न का सा झरोखा है। हम आते हैं चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर जल जाते हैं। प्रभु भी वेदांत में कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। हमारे कर्म ही ऐसे हैं कि बार बार हमें शरीर छोड़ना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। मेरे भगवत प्रेमियों, ये नियम है। और इस शरीर की जो देखभाली है, रखवाली है, और इसको शुद्ध अगर बनाना है तो उसकी दवा तो मेरे भगवत प्रेमियों केवल और केवल मेरे राघव का नाम, मेरे प्रभु का नाम। क्यों? इस शरीर जो देख रहे हो तुम अपना और हमारा, ये क्या है? ये तन जो है एक पिंजरा है, ये तन जो है एक पिंजरा है। इस पिंजरे में एक तोता है। ये तन जो है एक पिंजरा है, इस पिंजरे में एक तोता है। तोता जब जब उड़ जाता है, खाली पिंजरा रह जाता है। ये तन जो है एक पिंजरा है। और बताते हैं मेरे भगवत प्रेमियों कि माया के चक्कर में फंस करके ये तोता बड़ा खुशी से रहता है इस पिंजरा में। बड़े खुशी से तोता इसमें रहता है, ये बड़ी खुशी से तोता इसमें रहता है। जीवन के सारे सुख दुख ये सहता है, और जीवन के सारे सुख दुख ये सहता है।
जब जब तूफान सा आता है, जब जब तूफान सा आता है, ये तोता बड़ा घबराता है। ये तन क्या है, एक पिंजरा है, इस पिंजरे में एक तोता है। तोता जब जब उड़ जाता है, खाली पिंजरा रह जाता है। ये तन जो है एक पिंजरा है। और कहते हैं कि जब तक दाना पानी है चुग पाता है, ये जब तक दाना पानी है चुग पाता है, और दाना पानी बीत गया उड़ जाता है। दाना पानी बीत गया उड़ जाता है। जब जब तूफान सा आता है, ये तोता बड़ा घबराता है। ये तन जो है एक पिंजरा है, इस पिंजरे में एक तोता है। सो मेरे भगवत प्रेमियों, ये शरीर एक पिंजरा है, इसमें परमात्मा रूपी तत्व बैठा है, और वो माया रूपी सारे सुख दुखों का आनंद लेकर के इसे छोड़ के जाना नहीं चाहता। लेकिन जैसे ही इसमें तूफान सा आता है, दिल घबराता है, जी घबराता है, तो ये इसे छोड़ करके और उड़ जाता है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, लक्ष्मण जी ने बताया ये सब बातें निषाद राज को। अब महाराज सब सो रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना? ये सब सो रहे हैं तो बाबा लिखते हैं और कहते हैं लखनलाल जी कि यही जग जामिन जागे जोगी, जो परमार्थी प्रपंच वियोगी। यही जग जामिन जागे जोगी, जो परमार्थी प्रपंच वियोगी। कहते हैं कुछ जागे इस मोह की रात्रि में, कुछ जागे हैं। अब जगावे कौन, जो सोया है जगावे कौन? तो केवल एक जोगिया होता है महाराज, जो जती होता है। जगावे कौन जोगिया को, जोग जती। ब्रह्मा जगावे, विष्णु जगावे, शंकर जगावे, गौरा पार्वती को जोग जती को जगावे कौन जोगिया। तो मेरे भगवत प्रेमियों, विचार करने की बात है, यहां जोगी कौन है? तो आपको हम जोगी का दर्शन कराएं, अर्थ है जो जोग करा, जो जोग करा दे वही जोगी। और उसमें एक ही इकलौते ऐसे भगवान हैं, भगवान शिव, वो पूर्ण जोगी और कोई नहीं। क्योंकि जिनके सारे परिवार की पूजा एक ही साथ होती है महाराज, उन्होंने अपने परिवार को जोड़ रखा है। ये हमारे और आपके लिए समझाने के लिए भोलेनाथ ने सभी से ये कामना की कि संसार के भगवत प्रेमियों,
आपको अगर मुझसे प्रेम है और मेरे मूर्ति की स्थापना अगर कहीं करनी है, चाहे मुझे बियाबान जंगल में डाल देना, लेकिन एक कृपा करना कि पूरा परिवार मेरे साथ रहे। मैं परिवार से अलग नहीं रहना चाहता, नहीं तो ध्यान करने की बात है मेरे भगवत प्रेमियों। ब्रह्मा जी सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ही मूर्ति दर्शन आप पाएंगे, विष्णु जी भी लक्ष्मी जी के साथ ही आप दर्शन पाएंगे, और परिवार का तो इतिहासों द्वारा वेदों द्वारा मालूम पड़ता ही है। लेकिन एक जोगिया है भोलेनाथ, जो कि सदैव अपने परिवार के साथ में रहते हैं, मिलकर के सभी परिवार को अपने पास में रखते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां सुमति। मेरे भगवत प्रेमियों, प्यार अगर होगा, सुमति अगर होगी परिवार में, सारी संपदाएं अपने आप आ जाएंगी। और तब प्यार ही नहीं है तो फिर तो विविधाएं आएंगी, विविधान आएंगे, परेशानी आएंगी। मेरी भगवत प्रेमियों, यही सीख मिलती है हमें प्रभु राम कथा से, यही सिखाती है हमें ये रामायण। अब महाराज, जोग का जो अर्थ चल रहा था, जोग करा दे यानी परमात्मा से जो जोड़ दे, जो परमात्मा से जोड़ दे वही सच्चा जोग। अब देखो, इनके जैसा कोई देवता नहीं, इकलौते ऐसे भगवान हैं जिनके साथ सभी परिवार की पूजा होती है। महाराज एक उदाहरण है, जिसने अपनी नेक कमाई से पूरे परिवार का पालन पोषण हो रहा है, कर रहा है, उसमें से दसवां हिस्सा दान में जरूर देना चाहिए। वो गृहस्थ में रहते हुए ही जोगी के समान माना गया है। भगवान ने बताया मेरे भगवत प्रेमियों, अगर आप भजन करोगे तो मुक्ति मिलेगी, और दान करोगे तो धन मिलेगा। और प्रभु के पास में कोई अलहदा बैंक नहीं हुआ करते, समझने की बात है। तुम महाराज ग्रस्त में रहते हुए जो अपने परिवार को नेक कमाई से पालन पोषण कर रहा है, उसमें से दसवां हिस्सा दान में जरूर देना चाहिए। मेरे भगवत प्रेमियों, इसी से गृहस्थ फलता और फूलता है, और यही परमार्थ भी माना गया है, प्रपंच नहीं। अब किसी को खामा खा का प्रपंच में रिश्ता बना लो, दो मत और चुपड़ी बातें करो, ये सब बेकार है। तो इधर मेरे भगवत प्रेमियों लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद को, सखा परम परमारथ हो, मन क्रम बचन राम पद ने हो, सखा परम। हे निषाद, यही परमार्थ। आज निषाद जी ने पूछा, लक्ष्मण भैया बोले, हाँ ये राम, राम जी जो सोए हैं ना, क्या ये मनुष्य नहीं है? लक्ष्मण जी कहने लगे, नहीं निषाद, राम ब्रह्म है, अनादि है। बताने लगे निषाद कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिकत अधिक अनादि अनुपा, राम ब्रह्म। ये राम जो है ना, ये ब्रह्म है, और आप जो देख रहे हो ये तो सिर्फ और सिर्फ निषाद लीला है। अब महाराज ये सुनकर के निषाद तो गदगद। अब इधर सुबह राम जी उठे और निषाद से
बड़ वृक्ष का दूध मंगाया और दूध मंगा करके महाराज अपनी जटाओं में लगा लिया, अपने बालों की प्रभु राम ने जटाएं बनाई। क्यों? कि धर्म पालन कर। और कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म ना दूसर, धर्म के पालनहार श्री राम जी आज विचार करके और महाराज सुमंत को बुलाया। राम जी ने सुमंत को बरवस वापस जाने को कहा। बरवस ने सुमंत जाना नहीं चाहते हैं और प्रभु राम उन्हें वापस भेजना चाहते हैं, कह सकते नहीं। तो कहते हैं राम जी, बरवस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। बरवस राम आज सुमंत को समझाया कर राम लक्ष्मण सीता जी के सहित गंगा किनारे। यहाँ राम जी का बड़ा अलवेला भगत रहता है और वो अलवेला भगत कौन है महाराज? केवट। जिस समय लक्ष्मण जी रात्रि में निशा से बातें जो कर रहे हैं और बता रहे हैं कि राम ब्रह्म हैं, ये समझा रहे हैं, तो केवट भी वहां जागा हुआ था और उसने पूरा सत्संग सुना चुप ही चुप। और मन ही मन सोचने लगा, अगर राम ब्रह्म है तो आज मैं धन्य हो जाऊंगा। क्यों? क्या सुबह होते ही केवट अपने राजा निषाद से हाथ जोड़ करके बोला, महाराज निषादनी ने पूछा, हाँ कहो, आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, एक वरदान आपके पास है वो मुझे दे दे, मैं कुछ मांगना चाहता हूं, कृपा कर दो। निषाद मुस्कुराए, अरे केवट हम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, बोलो ना, मांगो। तब केवट हाथ जोड़कर के कहने लगा, महाराज आप एक काम करो, नगर में डुगडुगी बजवा दो। कैसी? ये डुगडुगी बजवा करके कह दो कि कल कोई भी अपनी नाव गंगा तट पर ना लाए, कोई ना ले जाए। क्यों? कि महाराज उस गंगा तट पर सिर्फ मेरी नाव लगेगी। क्यों? कि जिससे राम जी को मैं गंगा पार ले जा सकूं। बस इतनी सी बात। निषाद ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए फड़फड़ा रहा है? अब तो महाराज निषाद ने तुरंत ही आदेश कर दिया, कोई भी अपनी नाव गंगा तट पर नहीं ले जाएगा, केवल और केवल केवट। आज मेरे भगवत प्रेमियों, केवट अपनी नाव को बीच गंगा में ले जाकर के खड़ा कर दिया और सोच रहा है कि लखनलाल की बात आज अगर साची हो गई कि राम ब्रह्म है तो मैं आज ही पूरी सेवा ले लूंगा। बड़ा चालाक भगत था मेरे भगवत प्रेमी अलविदा। अब महाराज के भगवान की लीला आगे के लिए बढ़ने लगी। राम जी गंगा तट पर पहुंचे। अब महाराज ये विचार करने की बात है कि आने अधिकारी के साथ एक विवाद व्यवस्थापक होता है, तो यह राम जी के साथ भी व्यवस्थापक सेवक कौन है? लक्ष्मण जी। अब यह राम जी स्वयं सारी व्यवस्था सोच रहे हैं करने के और इधर विचार भी कर रहे हैं कि सारी व्यवस्था लखन को करनी थी, लेकिन राम जी केवट के रहस्य को समझ गए थे मेरे भगवत प्रेमी। बड़ा अलबेला भगत है ना वो, और इधर देख रहे हैं कि मेरा लक्ष्मण जो है वो क्रोधी है, तत्काल बाण चला देगा तो मेरा भगत मर जाएगा, इसलिए राम ने लखन को पीछे हटा दिया और स्वयं आगे होकर के आज केवट से नाव मांग रहे हैं प्रभु राम। कहते हैं कि मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहु सब काई, मानुष करनी मूर्ख छुआई, छुअत सिला भाई।
नारे सुहाई पाहन तेना काठ कठनाई तरनी मुनि धरनी होए जाई बाट परही मोरी नाब उड़ाई तेही प्रतिपालहु सब परिवारू नहीं जानहु कछु और कमारू जो प्रभु पार अरि उतरवाचहु मोय पद पदम पखारन कहु जो प्रभु पार। मेरे भगवत प्रेमियों एक ही उसास में केवट बहुत कुछ बोल गए। लक्ष्मण जी प्रभु कह रहे हैं राम जी से कि केवल नाग मांगने पर इतना बोल दिया केवट ने, देखा इसकी इतनी हिम्मत, इसे अभी बताता हूं। प्रभु राम ने रोका नहीं रे, अरे ये भगत है, अरे भगत तो है पर ये कह क्या रहा है कि तुम्हारा मर्म मैं जानता हूं। अरे हम सदैव आपके साथ रहते हैं, अभी तक आपका मर्म हम नहीं जान पाए तो एका जानते मर्म को भाई, एका से जान गया, ये तो मारना पड़ेगा पड़ेगा। राम जी कहते हैं नहीं भगत है, मना कर। अब राम कहते हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण ये समझने की बात है लाला। क्या प्रभु? कि हम जैसे ही घर से चले थे ना तो चलते ही बहुनी बिगड़ गई थी, देखा ना, चलते समय ही हमारी जो बहुनी है वो बिगड़ गई थी, आपसे मना किया, आप माने का नहीं ना, और जानकी जी को मना किया वो भी माने का नहीं माने ना। अब जो भी रास्ते में मिलेगा ना सब मना ही तो करेंगे, हाँ कौन करेगा, इसलिए शांति बना करके रखो लक्ष्मण, ये भगत है। राम जी ने कहा केवट मोह माया का त्याग करो। केवट कहता है कैसे करूं प्रभु, आप सोचिए कौन छोड़ता है मोह माया को। अब देखो मेरी ये नाव है, इसी से मेरा परिवार पलता है, इसलिए नाव से ही मेरा मोह है। अब ये ना रही महाराज तो परिवार तो भूखे ही मर जाएगा, और इसी के कारण आज आपके दर्शन भी हुए। नाव ना होती तो तुम्हारा दर्शन मुझे कैसे मिलता, जो मेरा कल्याण करने आए हो आप। लखन आपके भैया के पैर में जादू है, एक केवट कहता है सुना आपने साथ रहते हो तो पत्थर की शिला नारी बन गई है क्या ना। लक्ष्मण जी कहते हाँ वो तो है, तो बताओ वो तो पत्थर था भैया, मेरी नाव तो काठ की है, फिर दूसरी बात मेरी पत्नी जो है ना बड़ी झगड़ालू है, एक ही का लालन पालन में नहीं कर पाता, अगर ये मेरी स्त्री बन गई नाव और दूसरी स्त्री को देख करके मेरी पत्नी पता है क्या हाल करेगी, उसी को जाने में कैसे कैसे रख रहा हूं, और नाव नारी हो गई महाराज तो घर में भारी झगड़ा हो जाएगा और मैं बिना मारे ही मर जाऊंगा। लक्ष्मण अब दोनों के बीच में महाराज कैसे जी पाऊं, इसलिए हे राम प्रभु कृपा करो, इसलिए प्रभु चरण रज धुला लो और काम बन जाए। प्रभु मौन है कुछ नहीं बोले, और लक्ष्मण जी देख रहे हैं केवट कहते हैं प्रभु सोचो मत, ये तय बात है पक्की है कि मैं चरण धोए बिना नाव में नहीं चढ़ाऊंगा, आप कृपा करो। लेकिन अभी क्या है कि प्रभु नहीं बोल रहे केवल और केवल सुन रहे हैं। केवट कहता है प्रभु अगर आप बोल नहीं सकते तो इशारा ही कर दो, हम तो उसी से समझ जाएंगे। और कहता है केवट
की बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। पाम अपना प्रभु जी धुला लीजिए। हम है अनपढ़, कोई भूल हो ही गई। हम है अनपढ़, कोई भूल हो ही गई। आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है, सर को हिला दीजिए। और प्रभु जी, अगर आपको ये घमंड सोच रहे हो कि कोई और नाव आ जाएगी, ना ना, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। अरे नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। पाम अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। चाह दोनों की है, देर किस बात की। केवट कहता है, प्रभु जो चाह मेरी है वो आपकी भी है। मुझे चरण धोने हैं, आप पे पार उतरना है। चाह दोनों की है, अब देर किस बात की। शीघ्र से शीघ्र कुछ फैसला कीजिए। पाम अपना प्रभु जी धुला लीजिए। लेकिन प्रभु नहीं बोले। मेरे भगवत प्रेमियों, केवट ने विचार किया। अब कहते हैं, प्रभु बैठना तो पड़ेगा। क्यों? मन ही मन सोच रहे हैं केवट, प्रभु को नाबका में बैठना तो पड़ेगा। क्यों? कि गंगा को लांग नहीं सकते, क्योंकि गंगा इनके चरणों से निकली है, सो बेटी हो गई, रिश्ता बन गया, इसलिए बैठना तो पड़ेगा। सोच करके केवट फिर प्रभु से कहने लगे, प्रभु जी अच्छा एक काम करो, आप मत धुलाओ, और मैं धोना भी नहीं चाहता। आप चाहते हैं ना मेरी नारी नाव नारी बन जाए, तो ऐसा तो महाराज मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। अब देखो, एक तरीका मैं जरूर आपको बताऊंगा कि ये जो आप गंगा किनारे से वो पेड़ देख रहे हैं ना, वहां पर पानी थोड़ा है। अब आप ऐसा कीजिए, मैं आगे चलूंगा, आप पीछे पीछे आ जाना, और आप गंगा के पार हो जाएंगे। केवट बड़ा नाटक करता है मेरे भगवत प्रेमी, और कहता है झटका मार करके कि सुनो, अब तो मेरा मन ही बदल गया है। अब आप अगर कहेंगे ना तो भी मैं नहीं दूंगा, मेरा तो सब तरह आनंद ही आनंद है। लक्ष्मण जी बोले, क्या कह रहे हो, तुम्हारा सब तरह से कैसा आनंद है? केवट कहता है, देखो अगर पैर धुला लोगे तो आनंद, नहीं तो यहीं खड़े रहोगे तो दर्शन लाभ तो मुझे हो ही रहा है, डबल आनंद है। फिर दोबारा कहते हैं, देखो प्रभु अब बहुत हो गया, यदि आपको जाना है ना तो आप ही को कहना पड़ेगा मुझसे कि हमारा पैर धो। प्रभु नहीं बोले। केवट बड़ा परेशान, ऊपर नीचे अगल बगल सांबरा देख रहा है। अब आज महाराज लखनलाल जी कहते हैं, अरे ये सब क्या देख रहे हो तुम? केवट बोला, अरे भैया कछु नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं तुम्हारा पॉकेट। का मतलब? अरे समझ में आया, आप पर पैसा देला नहीं है ना,
उतराई देने के लिए, इसलिए तो शर्मा रहे हो, नहीं बैठ रहे हो ना। ला हम कह देते हैं कि हम राम जी से उतराई नहीं लेंगे, और तो आप बैठ जाइए। अब तो महाराज क्रोध में लखन बाण निकाल दिया। केवट बोला मारो, जल्दी मारो, मुझे तीसरा आनंद मिलेगा। फिर आनंद है, लखन बोलते हैं ये क्या कह रहा है तू? हाँ महाराज, आपका बाण लगते ही मैं गंगा जी में गिर पड़ूंगा, गिर जाऊंगा, फिर तो महाराज मैं जी भर के गंगा जल पीऊंगा, ये मेरा चौथा आनंद मिलेगा, मारो। क्योंकि मेरे भगवत प्रेमियों देखा होगा, मरने वाले के मुखारविंद में गंगा जली डाली जाती है। यही केवट कह रहा है कि आप मारोगे तो मुझे चौथा लाभ मिलेगा, आनंद मिलेगा। केवट बोलता है पर महाराज, पद कमल धोए नाथ ना, नाव उतराई चहु, मोहे राम रावर आन दशरथ सपत सब साची कहूं, चाहे तीर मारो लखन पे, जब लगे न पाए पखारे हो, तब लगन तुलसीदास तब लो नाम पारे उतारे हो। चाहे लक्ष्मण बाण मारे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं बिना चरण धोए गंगा के पार नहीं उतार। केवट कहता है लक्ष्मण, मैं मर जाऊंगा पर बिना पैर धोए पार नहीं उतारूंगा। तुम मार दोगे पर तुम्हारे भैया दयालु हैं, मुझे इतना पता है, सुन करके मेरे बच्चों को, मेरी स्त्री को रोते देखकर आएंगे तो दयालु जरूर दया करेंगे, मुझे ऐसा पूरा भरोसा है, इसलिए मुझे कोई भी परेशानी नहीं। महाराज राम जी मौन, संतों ने बड़ा सुंदर वर्णन दिया है, प्रभु है, ईश्वर है, भक्त के न जाने कौन से कार्य कृत प्रभु अपना आनंद बरसा रहे। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर प्रभु मेरे रीझ जाते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, न जाने हाय हाय न जाने कौन से गुण पर प्रभु मेरे रीझ जाते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण उस दुर्योधन का, पर विदुर के घर में घुस करके साग छिलकों का खाते हैं, न जाने कौन से गुण पर प्रभु मेरे रीझ जाते हैं, न रोए राम उस वन में पिता की वेदना सुनकर, पर गीध को गोद में लेकर प्रभु आंसू बहाते हैं, न जाने कौन से गुण पर प्रभु मेरे रीझ जाते हैं, कठिनता से चरण धोकर मिले कछु बिंदु सरहर को, वो चरणों दक स्वयं के बट के घर आकर लुटाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, आज राम बोले
कृपा सिंधु बोले मुस्काई वो ही करो तेरी नाव बच जाई बेग आन जल पाए पखारो हो तो बिलम मोहे पार उतारो बेग आन जल। हे मेरे भगवत प्रेमियों, बड़ा सोच विचार करके प्रभु राम आज केवट से बोले। अभी सुनकर के केवट सर पर हाथ रख करके बैठ गए। इधर लक्ष्मण जी बोले, अरे देख क्या रहे हो, अब काहे को बैठ गए भैया? वो कहता है देखो क्या हुआ। केवट कहता है, अगर प्रभु धोने को कहते तो अब तक तो मैं धो लेता महाराज। लक्ष्मण जी कहते हैं, कह तो दिया और कैसे कहना है। बोले प्रभु ने धोने को नहीं कहा, पखारने को कहा है। अब क्या करूं लखन? लक्ष्मण जी बोले, अरे धोना पखारना कोई अलग अलग है का? बोले हाँ। अरे धोता तो अकेला है महाराज, और पखारने के लिए तो स्त्री संग में चाहिए ना, और वो है मेरे घर। अब क्या करूं बताओ। राम जी बोले, तेरा गांव कहाँ है? बोले प्रभु ये जो झाड़ियां है ना, इन्हीं के पीछे है, पास ही में। तो राम जी कहते हैं, एक काम करो, जल्दी जाओ और पत्नी को जल्दी ले आओ। अब तो महाराज बस इतनी बात सुनी, केवट दौड़ा और जाकर के शोर मचाया। ओ चुनुआ मनुआ खनुआ गीदड़ मीदड़ सबको आवाज देने लगा, आठ दस तो बालक थे उसके। अब तो वो सब आए दौड़ करके, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुम जल्दी आओ, क्या करें कि गंगा तट पर तुरंत जाओ, वहां क्या करना है कि दो लड़का बैठे हैं वहां, मैं बताए देता हूं तुम्हें, एक गोरा है एक सांवला है, तो तुम गोरे से तो अलग रहना और सांवरे को चारों तरफ से घेर लेना, और मैं अभी आ रहा हूं। अब तुम्हारा सुनते ही पूरा परिवार स्त्री बच्चे सब गए और राम जी को चारों ओर से घेर लिया। मेरे भगवत प्रेम, अब लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया बड़ा चक्कर पड़ रहा है, तो घेराबंदी शुरू हो गई। बोले भगत है ना, जैसा मन में विचार आता है वो तो करेगा। इधर केवट सोच रहा है कि खटोटी अगर मैं ले जाऊं चरण धोने के लिए तो ये स्त्रीलिंग है बेकार, इसलिए कठोटा ठीक रहेगा। क्यों? केपुरलिंग अगर ये चरण धो करके लड़का भी बन गया तो नाक तो चलाएगा और मैं बैठा मौज बनाऊंगा, बैठा खाऊंगा, इसलिए कठोटा ले। अब महाराज उनको कह दिया, बोला प्रभु पानी ले आया हूं। राम बोले, अरे बाबरे ये पानी नहीं है, ये गंगा जल है। केवट बोला, प्रभु हम जैसे अधर्मियों ने गंगा जल को पानी बना दिया है, पर अब आप ही की कृपा से ये गंगा जल हो जाएगा। तो महाराजा आज धोने लगे, दाहिना पैर धोया केवट ने और जो जल आया वो अपने आप ही गटक गटक पी गया, बायां धोया वो भी पी गया। अब फिर कहने लगा प्रभु, बोले हाँ वो गलती हो गई, क्या हुआ? वो पैर जो मैं धोया था ना, वो नीचे गमछा नहीं लगा पाया, भूल हो गई, इसलिए उसमें फिर रज लग गई है, एक बार और धो लेने दो ना। फिर तीसरी बार धोया और फिर पी गया। लखनलाल कहते हैं, अब हो गया ना काम, चलो। केवट कहता है, प्रभु अब विचार तो करो, ये बच्चे दौड़कर आए हैं, ये पागल तो है नहीं ना, अरे इनकी इनको भी तो चाहिए ना। लखनलाल क्रोध में बोले कि तू अकेला तीन बार पी गया, तब याद नहीं आया तुझे परिवार बच्चे? केवट कहता है, महाराज पहले मैं तो तृप्त हो जाऊं ना, तभी तो दूसरे का नंबर होगा, तभी तो मैं परिवार को तृप्त कर पाऊंगा। तीन ताप होते हैं मेरे भगवत प्रेमी, मैंने तीन बार में प्रभु तीनों तापों को मिटाया है,
आप एक बार और कृपा कर दो, बस बच्चों का भी कल्याण हो जाए। बोले चलो ठीक है। केवट बोले कहां चले? अरे अब धो तो लिया, चरण पकड़ रखा है केवट ने, हाथ फेरा है, दर्शन कर रहा है और प्रभु से कहता है कि जरा देर ठहरो भगवान, जरा देर ठहरो भगवान, जल्दी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। महाराज इतनी क्या जल्दी है, कितने जन्मों से हम इंतजार किए बैठे हैं, आप इतने में ही परेशान हो गए? ठहरिए। प्रभु कहते मुझे झंझट में क्यों डालो? प्रभु से कहता है केवट महाराज जरा ठहरो, मुझे झंझट में मत डालो। क्यों? कि जब मैं गांव जाऊंगा और गांव वालों को पता पड़ेगा तो वो सुनते ही आज ही मार डालेंगे मुझे और मेरे परिवार को, कहेंगे तुम तो पियाए चरणों दे हम, इसलिए एक बार और कृपा कर। अब टोला खन आवेश में आकर के बोले अब ये भी हो गया, अब ले चलो। केवट डर गया, सोचता है बोलेंगे तो मार डालेगा। अचक प्रभु से बोले प्रभु आप तो जानते हैं ना, एक बार और धुला लीजिए। अब क्या हुआ? अब देखो ये जो मेरे पितरदेव हैं यहाँ पे ही इंतजार में खड़े हैं। कौन? मेरे पूर्वज। आपकी कृपा उन पर भी हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, अपने पितरों को मैं आपका चरणों दे पिला दूंगा, तृप्त कर दूंगा, मुक्त हो जाएंगे। महाराज कितना ही पढ़ा लिखा, अगर पितरों को संतुष्ट नहीं किया तो उस मानवधारी को देह धारण करना ही बेकार है। अब महाराज सारा कार्य होने के बाद में तीनों को नाव में बिठा करके केवट जैसे ही चला तो ये दृश्य देखकर के गंगा मैया ने अपने वेग को बढ़ा दिया और केवट बड़ा सुंदर भाव में गाता है मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, अरे धीरे बहो गंगा धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम हो गंगा मैया धीरे बहो, गहरी है नदिया नाव पुरानी, गहरी है नदिया नाव पुरानी, चले पुरबैया न गति ठेरानी, मेरे प्रीतम बड़े सकुमार हो गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम हो गंगा मैया धीरे बहो। आज केवट ने तीनों को गंगा के पार उतारा। प्रभु उतरते ही विचार में पड़ गए और कहते हैं उतर ठाड़े भय सुर सर रेता, सिया राम संग अनुज समेता, के बट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुचि आए कछु नहीं दीना, हिय पिय किय सिय जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतार। मेरी भगवत प्रेमी उतर के किनारे पर दंडवत किया केवट ने, प्रभु ने उसको उठाया हृदय से लगाया। आज केवट केवल उन्हीं को ना संकोच के कारण प्रभु राम सोच रहे हैं अब देने को तो कुछ है नहीं, इसे दुख, लेकिन इस भाव को जानकी जी समझ गई और उन्होंने राम के मन की दशा को जानकर के अपनी अंगूठी उतार कर प्रभु को
दे दी और कहा ये उतराई में लाई दो। राम बोले ये आपके हाथ की शोभा है, ये आपके हाथ की शोभा है। सीता बोली प्रभु मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में जब सौंप दिया तो वो सब कुछ आपका हो गया ना, आपके सामने इसका कोई मूल नहीं। महाराज ऐसी धर्म निभाने वाली नारी कोई कोई मिलती है, बड़भागियों को मिलती है मेरे भगवत प्रेमियों। मान बढ़ाने के लिए राम जी को ऐसा शब्द कहा जानकी जी ने कि आप ही तो सब कुछ है। आज राम जी केवट से कहते हैं केवट भैया ये अपनी उतराई ले, दे रहे हैं ले लो। केवट देख करके रोने लगा। अब प्रभु देन लगे उतराई केवट चरण गयो अकुलाई, नाथ आज में का नहीं पावा मिट गए दोष दरी दर दवा, फिरती बार नाथ जो दे ही सो प्रसाद में सिर धर ले ही। आज ऐसा कौन सा ऋण रह गया जिससे ऋण ना हो। अगर आप मुझे प्यार करते हैं और मुझे कृपा पात्र समझते हैं तो हे प्रभु अब नहीं, जब आप लौटेंगे ना वापिस तब जो उतराई देंगे मैं उसे उधार करके ले लूंगा, लेकिन अब अब ननाथ कछु चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछु ना। मेरे भगवत प्रेमियों प्रभु कहते हैं दुख क्या है हमारा कर्म है, आप सदैव कृपा के सागर हैं, इसलिए हे दीनबंधु आप कृपा बरसाए रखें। और कहता है केवट मुझे तुमने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है, ये ज्यादा दीदी है ये औलाद भी है, मुसीबत में तुमने ही हमदाद की है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है, मेरा नहीं तू सबका है दाता, सब कुछ तूने सबको दिया है, जो खाली था दामन तूने भर दिया है, जो खाली था दामन तूने भर दिया है, तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। मेरे भगवत प्रेमी देने वाले प्रभु लेने वाला संसार, और कहते हैं नाथ
मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। केवट ने चरण पकड़ लिया, कहने लगा प्रभु मेरे पिता ने कहा था कि जो भी घर पर आए उसकी जेब में कुछ ना कुछ देकर विदा करना। अब महाराज मेरी हैसियत तो नहीं, क्या करूं क्या रखूं, जो दे रहे हो आप वो ही रख लो समा। प्रभु से सदैव मांगने की कामना मत करो, यही कामना हमें प्रभु के प्यार से जुदा कर देती है मेरे भगवत प्रेमी। प्रभु देने के लिए विवश हो जाए तब तक का इंतजार करना। एक कथा है, वृंदावन में एक पंडित थे, रोज प्रभु की सेवा करते थे और पढ़ने जाया करते थे पर कुछ मांगते नहीं थे। एक दिन देखा महाराज प्रभु ने अपना मुख पीछे की तरफ कर लिया। अब तो पंडित जी बहुत रोया, प्रभु क्या गलती हो गई मुझसे, आज तो आपने दर्शन देना ही बंद कर दिया, मुख को क्यों मोड़ लिया, दर्शन भी नहीं दोगे तो मंदिर से आवाज आई, नहीं तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मैं तो स्वयं अपनी शर्मंदगी से मुख मोड़ा है, मैं तुमको कुछ नहीं दे सका और तूने कभी मुझसे मांगा नहीं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। मेरे भगवत प्रेमियों ऐसा मन होना चाहिए कि प्रभु से कदापि न मांग और प्रभु देने के लिए विवश हो जाए तो लेने का आनंद कुछ अलग होता है। और पंडित कहता है क्या रहा कर सकते, तुम ही से ये जीवन जिए जा रहा हूं, जो कुछ दे रहे हो बोलिए जा रहा हूं, जो कुछ दे रहे हो बोलिए जा रहा। हे मेरे भगवत प्रेमियों, आज प्रभु ने केवट को अपनी विमल भक्ति प्रदान की। अब प्रभु आगे बढ़े तो भरद्वाज जी से मिले, आगे जमुना जी पड़ी, वहां एक तपस्विनी थे, वे कौन थे, भगवान प्रयागराज में जमुना तट पर आए, वहीं पास में तुलसीदास जी का गांव पड़ता है महाराज राजापुर, तो तुलसीदास जी तपस्वी बनकर के आए, वहां से वाल्मीकि आश्रम पहुंचे। सुने हूं राम दंडवत कीना आशीर्वाद विप्रवर दीना। राम जी ने मुनि वाल्मीकि जी से पूछा प्रभु मैं कहां रहूं आप बताएं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि आपकी बात पीछे बताऊंगा प्रभु भगवान, पहले आप मुझे ये बताएं कि आप वन क्यों आए। बोले आप सब जानते हैं, मैं आप ही के मुख से सुनना चाहता हूं। प्रभु मेरे घर में प्रसाद का बंटवारा हो गया है। राम जी कहते हैं वाल्मीकि जी से कि मेरे घर में पुरुषार्थ का बंटवारा हो गया है महाराज, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म पिता का वचन, अर्थ भाई भरत, काम के कई मां की कामना और मोक्ष मुझ राम को, आपके दर्शनों का लाभ मिल रहा है, संत दर्शन ऐसे ही नहीं मिलते। विभीषण जी कहते हैं चौपाई के माध्यम से अब भा भरोस मोए हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, पुण्य पुण्य में मिले न संता, पुण्य पुण्य बिन मिले न संता। ये दो चौपाई है महाराज, कौन सी सही है कौन सी गलत, दोनों ही सही है ऐसा मान ले। अब देखिए आप कथा सुनने आए हो सुन रहे हो, ये आपका पुण्य है और जो घर से उठा संत शरण सत्संग में लाकर के बिठा दे समझ लो आप पर बड़ी कृपा है। क्यों कि पूर्व जन्म के जीव के अगर पाप रह जाते उसका सत्संग में मन नहीं लगता मेरे भगवत प्रेमियों, ये जान लेना चाहिए। लिखते ही बाबा तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के बेग सो भूख विदा है जा। बुखार में कोई भोजन अच्छा नहीं लगता मेरे भगवत प्रेमी,
और पिछले पापों से सत्संग में प्रेम नहीं लगता। आज की दुनिया वालों से क्या कहा जाए, बुरा हाल है। लेकिन हर हाल में खुश रहना ये संतों से ही सीख पाऊंगा। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, मैं फिर से जुदा रहना संतों से सीख जाए, मैं फिर से जुदा होना संतों से सीख जाए। सुख दुख से हंस न रोना, सुख दुख में हंस न रोना, है ब्याज का ये रोका, अरे दोनों से मुस्कराना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, झंझट से भाग जाना सब लोग हैं बताते, झंझट से भाग जाना सब लोग हैं बताते, झंझट से बच के रहना संतों से सीख जाए, झंझट से बच के रहना संतों से सीख जाए। अरे हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कराते, दुनिया के लोग दौलत अरे पाकर के मुस्कराते, पर दास बन के रहना संतों से सीख जाए, पर भक्त बन के रहना संतों से सीख जाए। यही सत्यता है मेरे भगवत प्रेम। किसी ने एक संत को भिक्षुक कह दिया था तो उसने अपने अंदर की बात को कहा, नहीं मैं शुद्धात्मा हूं, भिकारी नहीं, नाम जरूर मेरा है भिक्षु पर मैं भिकारी नहीं, अंतर आत्मा जिसकी ठोक से मेरे भगवत प्रेमियों उसका जीवन, उसका आनंद, उसकी सत्यता तो लगे। हर हाल में संत मिले तो धन्य समझना चाहिए। अब महाराज वही कथा पर आइए, राम जी ने वाल्मीकि जी से पूछा, मैं कहां रहूं, मेरे रहने से किसी को कष्ट ना हो, ऐसी जगह बताओ। तो वाल्मीकि जी बोले, प्रभु मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो, आप बताओ ऐसी जगह है कौन सी जहां पर आप ना रहते हो, मुझे अवसर दे रहे, बड़प्पन दे रहे, मैं आप तीनों को भली बात से जानता हूं। सुति से तू पालक राम तुम पति वेद माया जान की, जो साथ चालक हरित करव पाप क्रधा कृपा निधान की। आप देव तीनों जो है लीला करने आए मैं जानता हूं, आपको ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते, मैं जानता हूं। आप कैसे जानते हो, जान वो ही सकता है महाराज जो मान लेता है, जो मानता है वही जानता है। केवट को भी आपने जलाया, सोई चन नहीं जिसको आए दे हो जाना, जानत तुमी तुमी हो जाए। ये आपकी कृपा है महाराज, एक उदाहरण है महाराज, आप सब कर्म करो भगवान आते हैं, विश्वास रखो ये पक्की बात है, आए चाहे किसी रूप में पर प्रभु आते हैं। नामदेव का बड़ा सच्चा सीधा उदाहरण है महाराज, कुत्ते के रूप में दर्शन दिया, लेकिन आज क्या हो रहा है, कहीं कोई भंडारा भी होता है तो कुत्तों की रखवाली सबसे पहले डंडा लेकर करते हैं और उनको पीटते हैं महाराज, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या फायदा भंडारे का। तो आइए कथा पर, वाल्मीकि जी ने प्रभु राम को रहने के लिए 14 स्थान बताए, 5 प्रमुख, क्या, ज्ञान इंद्र, कान नाक जीव आंख और नाक। पूर्णमासी को क्या कराना, लाभदायक,
परिवार के साथ पूजा करना, भगवान को खुश करना है, गुरुदेव तन मन से सेवा करनी चाहिए। अब गुरु सेवा का फल बड़ा मिलता है महाराज, लेकिन वो तन मन से करनी चाहिए, ऐसा वेदों में कहा है। एक कथा प्रसंग आता है भगवत प्रेमियों, एक किसी भक्त के गुरुदेव थे, गर्मी का मौसम था, वो अपने भक्त से मिलने के लिए गए और जाकर के जब घर पर पहुंचे तो शिष्य ने बड़ा आदर सत्कार किया, अच्छा सुंदर व्यवस्थाएं की, और गर्मी देख करके उसने अपने परिवार वालों से कहा कि ऐसा करो महाराज जी, गर्मी में आए ना तो ठंडा ठंडा जल लेके आओ, स्नान करा देते हैं। वो ठंडा जल लेकर के आए महाराज, स्नान कराया, उसके बाद में सुंदर चादर बिछा करके आसन बिछाया, उन पर बिठाया और सुंदर भोजन प्रसादी सब कुछ अच्छा करके सी भक्त। अब उसी भक्त का एक मित्र भी था भगवत प्रेमियों, वो सब चरित्र देख रहा था, उन्होंने भी एक अपने गुरु को बना रखा था, तो उन्होंने प्रार्थना की, गुरुदेव कभी दर्शन दो ना, तो महाराज समय बदल चुका था, सर्दी का आ गया समय, और गुरुदेव सर्दी के समय में शिष्य के पास में गए। अब शिष्य ने विचार किया, मेरे मित्र ने जितनी सेवा की वही सेवा मैं गुरुदेव की करूंगा, तो उसने आदेश किया अपने परिवारियों को, ठंडा ठंडा जल लाओ, गुरुदेव को नभाना। अब गुरुदेव मना करते, भाई ठंड पड़ रही है, क्या कर रहे हो, लेकिन वो काहे को माने, चार पांच पकड़ लिए और पकड़ के जबरदस्ती उसको ठंडे पानी से नहला लिया। अब नहला दिया तो महाराज, हो तो गुरुदेव की तो जान निकलने लगी, और कोई ने कहा कि अंदर मकान में इनको सुला दो, ना 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 हवा में बाहर सुला दो, चद्दर वद्दर कोई मत दो। तो मेरे भगवत प्रेमियों, गुरुदेव की जान निकल गई, बोले अरे भाई ये सब क्या किया बिना सोचे विचारे। तो इस प्रकार से गुरु सेवा नहीं हुआ करती भगवत प्रेमियों, गुरु सेवा तन मन लगा करके, समय मौसम देख करके, बुद्धिमानी से करनी चाहिए, हर विचार करके करनी चाहिए। तो आइए, यहां वाल्मीकि जी बता रहे हैं स्थान, चित्रकूट गिर करहु निवासु, के तुमार सब बात सुपासु। आज तीनों ने चित्रकूट पर विश्राम किया और वहीं सभी देवता आ गए महाराज, आनंद होने लगा। अब हम और आप भी यहीं इस कथा को विराम देकर के आराम करते हैं। कल भरत चरित्र का बड़ा सुंदर और विश्वसनीय कथा होगी, उसी में हम और आप ये राम कथा के नौ दिवसीय के सातवें दिन में हम प्रवेश करेंगे। तो आइए मेरे भगवत प्रेमियों, आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पिया की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक भी ज्ञान बिसार। सुकुसन काद शेष और सार, वर्ण पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस। मुनिजन धन संतन को सरवस, सार अंश समत सब की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभुवानी। अर्घट संभव मुन विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी। कागभूषोंड गरुण की, आरती श्री रामायण जी की। कलमल हरण विशेष सुफी की, सुवर्ग सिंगार मुक्त जुवती की। दलन रोह भव मूर यमी की, तात मात सब विद तुलसी की।
आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पिय की, आरती श्री रामायण जी। कथा विसर्जन होते सरोवीर हनुमान, जो जन जा से आए हो तां पर करो पया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, बोले शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, संत भक्तन की जय, भक्त और भगवान की जय। ओम पार्वती पते हर 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 महादेव।